So students, as you know, we completed day 1 and 2 and today we are going to do day 3. Okay, and some our writing exercises is remaining in our textbook. After completing this exercises, we will do our writing session in our FAIR notebook. Okay, so I hope you all completed day 1 and 2. Day 3, question number 2, we are at which area was known as Shahjahanabad? कौन सा एरिया को हम आज के इसमें शाहजहानाबाद बोलते हैं? ओके, द एरिया नियर द रेड फोर्ट and the Jamma Masjid was known as Shahjahanabad. Okay, so next question is हमारा विच कौन सा एरिया को हम शाहजहानाबाद बोलते थे? द एरिया नियर रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के बाजू वाला और जमा मस्जिद के बाजू वाले एरिया को हम शाहजहानाबाद कहके बोलते थे. एन सी टी स्टैंड्स फॉर National Capital Territory. Okay, what is NCT stand for? NCT ka full form batao. NCT stand for National Capital Territory. Okay, who built the Qutub Minar and when? Qutub Minar kisne bandwaya aur kab? Qutubuddin Aibak built ka past tense, built Qutub Minar in 1206. ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाया कौन सा ईयर में? 1206 में. नो टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद भवन का दो भाग हाउस बता दीजिए. लोकसभा एंड राज्यसभा आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ओके, लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के दो हाउस हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री? कौन सा कोर्ट न्यायालय सबसे बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आवर आंसर इज Supreme Court of India is the HIGHEST, highest court in the country. हमारा जो रेड फोर्ट के सामने जो
हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के जो रूल्स लॉ एंड रूल बनती है वो हाईएस्ट रूल है, उसको सबको मानना पड़ता है। नेम द समाधि ऑफ महात्मा गांधी एंड इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का और महात्मा गांधी का समाधि स्थल बताओ। समाधि ऑफ इंदिरा गांधी महात्मा गांधी इज राजघाट। समाधि ऑफ इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी की समाधि को हम राजघाट बोलते हैं और इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। ओके, दीज टू समाधिज आर इंदिरा गांधी एंड महात्मा गांधी। टर्न द पेज, पेज नंबर 18, वी विल डू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दे। नेम फाइव वर्थ विजिटिंग प्लेसेस ऑफ दिल्ली। दिल्ली के जो फाइव वर्थ विजिटिंग प्लेसेस है उसको बता दीजिए। फाइव वर्थ विजिटिंग places are places of Delhi are Qutub Minar, Lotus Temple, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट। जामा मस्जिद, एटसेट्रा। ओके, वेर इन कौन कौन से फाइव वर्थ विजिटिंग प्लेसेस है? दिल्ली, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, जामा मस्जिद आर द फाइव वर्थ प्लेस विजिटिंग प्लेसेस इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ओके, नाउ वेर इज राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड, हु वॉज बिल्ट इट? राष्ट्रपति भवन situated on the Resina Hills, R-E-I-S-I-N-A, Resina Hills. It was built by Britishers. ब्रिटिश लोगों ने ये बनाया था। ओके, नाउ व्हाई दिल्ली इज कॉल्ड मिनी इंडिया, व्हाई दिल्ली इज कॉल्ड मिनी इंडिया? पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स स्टेट्स areas live in Delhi and speak
different languages languages where different dresses and celebrate different festivals, FESTI festivals. So it is called mini India. इंडिया के हर जगह के लोग यहाँ पे आके रहते हैं, इसलिए इट इज कॉल्ड अ मिनी इंडिया. पीपल फ्रॉम ऑल रीजन स्टेट्स एरियाज लिव इन दिल्ली एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस वियर डिफरेंट ड्रेसेस एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स. सो इट इज कॉल्ड मिनी इंडिया. ओके, दिस इज योर वर्कशीट वर्क. एंड स्टूडेंट्स, अवर writing zone of this chapter is remaining, question answers are remaining, so today we will do that question answers in this part. Okay, write down the questions. Writing zone is remaining, so we will do writing zone now. First, you have to write the questions in your fair notebook from textbook. From textbook, you have to write down question. Writing zone. When did Delhi become the capital of India? What was its previous capital? Okay. So, our answer is you have to write question from your textbook and write answer from PDF copy. Okay. New Delhi, answer, question you have to write from your textbook. When, question from textbook, when did New Delhi become the capital of India? What was its previous capital? Kab India, Delhi, India ka capital bana? और पहले इसका कैपिटल कौन सा था? प्रीवियस मीन्स पहले. ओके, सो अवर आंसर इज न्यू दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली बिकेम द capital of India in 1911. The next question is the previous 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 capital was Calcutta, Calcutta, but now we know as a Kolkata. Okay, what we pronounce as a spelling also different, Kolkata. Now it's Kolkata. Okay, what was the question? When did New Delhi become the capital of India? What was its previous capital? New Delhi became the capital of India in 1911. The previous capital was Calcutta. Okay, done. The next one is, name two monuments built by the Emperor Shah Jahan. Okay, answer.
शाहजहां से बांधा हुआ दो टू मोनोमेंट्स built by Shahjahan are Red Fort and जामा मस्जिद. ओके, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन आंसर. वेयर इज थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड, हु लिव्स इन इट. राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है और उसमें कौन रहते हैं. राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड ऑन द राइजिना हिल्स. आंसर थ्री, राष्ट्रपति भवन इज SITUATED सिचुएटेड ऑन द राइजिना हिल्स. RAISI Raisina Hills. It is the residence of the राष्ट्रपति. ओके, राष्ट्रपति भवन जो है वो रेजिना हिल्स पे है और वो किसका घर है, राष्ट्रपति का घर है. क्वेश्चन नंबर फोर, नेम टू नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली के दो नेबरिंग स्टेट्स को बताओ. टू नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली इज क्वेश्चन नंबर फोर. आंसर नंबर फोर, टू नेबर NEIGHBOURING नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली आर हरियाणा HARYANA हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. ओके, दो नेबरिंग स्टेट्स. आंसर नंबर फाइव, नेम टू यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली. द यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली आर द सॉरी टू यूनिवर्सिटीज UNIVER SITIES universities of Delhi are JNU Jawaharlal Nehru University and Jamia University. JAMIA Jamia University. These are two universities of UNIVERSITY University. Two universities of Delhi are JNU, Jawaharlal Nehru University and Jamia University. You have to do this work in your fair notebook and this work
this worksheet work you have to do in your worksheet. Day 3 and long question answers you have to complete in your worksheet and question answers in your fair notebook. Okay, stay safe. Thank you.